देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए केस मिले हैं, जो कल की तुलना में 2,369 अधिक है। नए मरीजों के मिलने के बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 16.28% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 314 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना के 1,38,331 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं कोरोना के नए मामले, वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते आ रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के केस में 28.17% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 16 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। उधर देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का रविवार को 1 साल पूरा हो गया। देश में अब तक 156.76 करोड़ टीका लग चुका है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 94.51% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को लेकर देश में अब तक 3,50,85,721 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र देश में सबसे संक्रमित राज्य है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,462 नए केस सामने आए। वहीं 23 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। इतना ही नहीं, राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 2.6 लाख हो गए हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 81 पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 125 केस पिछले 24 घंटे में मिले। यहाँ अब तक 1,730 केस मिल चुके हैं। वहीं मुंबई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 81 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। 1,312 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 126 जवानों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।